दोस्तों वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि अभी के टाइम आप देखोगे एनएचपीसी बैक टू बैक हमें यहाँ पे रेड जोन में देखने को मिल रहा है एंड 78 रुपए के लेवल को भी आज ब्रेक कर चुका है। ऑल राउंड देखा जाए भाई इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें हम अभी के टाइम भाई स्टॉक को लेकर एक तो पॉजिटिव है एंड एक भाई यहाँ पे सीएलएसई के अकॉर्डिंग जो पीएससी शेयरों को लेकर जो नेगेटिव रेटिंग आज जारी करी गई है उसका भी इफेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि मार्केट के अंदर अभी के टाइम 1000 पॉइंट मार्केट वो आपको डाउनफॉल दिखा सकता है। यानी कि जिस प्रकार एफआई का रुख चाइना की तरफ बदला है, यहाँ से पैसा निकला है इंडियन मार्केट से, उस प्रकार ब्रोकरेज का रुख भी भाई इंडियन मार्केट को लेकर थोड़ा सा डाउन हुआ। यानी कि यहाँ पे अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करें पर यहाँ पे तो स्टॉक को लेकर डाउन ट्रेड टारगेट दिया गया है कि मार्केट को लेकर ठीक है कि मार्केट के अंदर अभी यहाँ पे गिरावट हो सकती है, यानी कि प्रेशर वो दिख सकता है। हालांकि अभी के टाइम अगर देखें आज का सीन तो कुछ न्यूट्रल था, आज कोई बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को नहीं मिली है। 36 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट ने क्लोजिंग करी, ऑलमोस्ट 24,435 पॉइंट पर क्लोज हुआ है। मेन पॉइंट अगर स्टॉक की बात करूं मैं तो स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज बोल रहा है कि अभी के टाइम 49% शेयर में 49% रैली शेयर यहाँ पे तेजी दिखा सकता है, मतलब 49% तक की तेजी स्टॉक में बढ़ सकती है। बाकी यहाँ पे ये मेरा कहना नहीं है, ब्रोकरेज का कहना, अभी आपको पूरी अपडेट्स यहाँ पे क्लियर करूंगा, मेरा कोई भी सेल एंड बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड आप ध्यान से, क्योंकि मार्केट में आपने देख लिया कि क्या हो सकता है, तो इसलिए चीजों को थोड़ा समझिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ किसी के कहने पे या किसी के लगने पे आपको भाई नहीं करना, आपको खुद का अपना एनालिसिस करना है ताकि आप फंसो नहीं, क्योंकि मार्केट में भाई कोई भी कुछ पूरा नहीं जानता है। तो खुद एनालिसिस करिए या अपने पर्सनली फाइनेंस एडवाइस सलाह लीजिए, उसके बाद चल भाई करिए ठीक है। डाटा अगर देखा जाए के टाइम आज का जो इंट्राडे हाई है 81.37 का स्टॉक आज का इंट्राडे हाई रहा है एंड 75.10% स्टॉक का इंट्राडे लो था एंड 6 करोड़ के आसपास की बड़ी वॉल्यूम आज हमें देखने को मिली, जिसमें अगर देखें तो ऑलमोस्ट 470 करोड़ के आसपास का हमें कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। 40% की अच्छी खासी डिलीवरी शेयर में आज उठाई गई है एंड एमओ में भी के टाइम 1,34,000 शेयर में सेल ऑर्डर में नजर आ रहे हैं। एंड भाई गिरते गिरते स्टॉक का पी रेशो है 20 के भी नीचे आ चुका है, ऑलराउंड यहाँ पे 19 का आ चुका है एंड रिजल्ट को लेकर मैंने पहले ही बता दिया 7 नवंबर के आसपास कंपनी अपने फाइनेंस रिजल्ट जारी करेगी। एंड यहाँ पे डिप आया, रिवर्सल आया, फिर डिप आया, फिर रिवर्सल, यानी कि ट्रेंड यहाँ से शेयर ने बदला बट लास्ट मोमेंट पर स्टॉक के अंदर में फिर से सेलिंग देखने को मिली एंड शेयर में गिरता हुआ नजर आया। बात करते हैं ब्रोकरेज की, ब्रोकरेज अपना व्यू क्या दे रहा है। देखिए दोस्तों एनएचपीसी समेत ये 5 शेयर कर सकते हैं मालामाल, मिलेगा 49% तक का रिटर्न, ब्रोकरेज है टाइम बोलिस, इसमें से 5 में से एक आपका एनएचपीसी भी है। अब ये अपडेट आज का है, अब यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा एंड इस अपडेट को देखो आपको स्टॉक को बिल्कुल भी पिक नहीं करना, आपको खुद की एनालिसिस करना, क्योंकि ब्रोकरेज का भी नहीं मानना है, ब्रोकरेज मेरा किसी का नहीं मानना है, आपको स्टॉक पर खुद की रिसर्च करना उसके बाद पैसा लगाना, क्योंकि भाई मामला पैसे का है, कुछ भी हो सकता है ठीक है। देखिए अक्टूबर को निफ्टी 100 अंकों की तेजी के साथ 24,956 के स्तर पर खुला था, मंडे की बात है ये, एंड शेयर बाजार को सेंसेक्स भी 500 अंकों की तेजी में था बट जिस प्रकार मोमेंटम बदला है मार्केट का आप देख लो, मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हो चुकी है। पिछले 15 दिन के अंदर तो भाई मार्केट ने सभी के जो पोर्टफोलियो है पूरे रेड कर दिए हैं, जो कि पहले ग्रीन थे, यानी कि पहले तो इंडेक्स के अंदर वॉलिटिलिटी रहती थी, अभी के टाइम भाई स्टॉक भी गिरने लगे एंड जिस प्रकार एनएचपीसी पिछले 5 दिन में गिरा है बहुत ही बड़ी गिरावट शेयर ने कवर करी है। जैसा कि डाटा अगर देखें तो 5 शेयरों को लेकर भाई ब्रोकरेज अभी के टाइम बाय की रेटिंग दे रहा है, जिसमें बोल रहा है कि इन शेयरों में 49 ऑलमोस्ट 50% तक की जो रैली है वो शेयर दिखा सकते हैं। अब इनमें एनएचपीसी भी एक शेयर है। अब देखिए एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर का स्कोर 7 है, एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का स्कोर पिछले हफ्ते 6 था एंड पिछले अगर महीने ये मतलब 5 था, एक्सपर्ट्स ने एनएचपीसी लिमिटेड अपनी स्टॉक के लिए यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है। शेयर बाजार एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी प्रति शेयर पर 49% तक के शानदार रिटर्न दे सकती है, पिछले एक साल में स्टॉक ने 61% की रिटर्न दिया है। कंपनी कुल मार्केट के ऑलराउंड 82,000 करोड़ का भी के टाइम है। बुधवार को अगर देखें तो आज 23 अक्टूबर को शेयर के अंदर हमें हल्की सी गिरावट के साथ क्लोज हुआ, यानी कि देखें तो ब्रोकरेज अभी के टाइम स्टॉक को लेकर हालांकि पॉजिटिव है बट जिस प्रकार का डाटा हमें दिख रहा है, चीजें सामने आ रही है, डाउन ट्रेंड शेयर दिखा रहा है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग अपडेट बताता हूँ, जैसा कि सीरीज के बारे में बताया कि ब्रोकरेज मार्केट को लेकर क्या बोल रहा है, स्टॉक जो कॉर्बेट वाले स्टॉक है इनका व्यू क्या है। देखिए दोस्तों अगले 20 दिन में 1000 पॉइंट तक गिर सकता है निफ्टी, पीएस स्टॉक में सबसे अधिक जोखिम। अब अपना जो एनएचपीसी है आपको पता क्या है, पीएससी शेयर, गवर्नमेंट वाला शेयर है। अब ये जो अपडेट आया ये आया सीएलएसई की तरफ से। देखिए सीएलएसई के यहाँ पे जो चार्टेड लॉरेंस बालोंके ने भाई कहा है कि निफ्टी अगले 20 दिनों में 23,300 तक स्तर तक गिर सकता है, इसका मतलब है कि मंगलवार 22 अक्टूबर को निफ्टी में 2407 स्तर पर बंद हुआ था और अब इसमें उस स्तर से 1000 अंकों की गिरावट, यानी कि कल से 1000 अंकों की गिरावट, जिसमें से आज 37 से 30 पॉइंट तो आज गिर चुका है। अपडेट कब का है, आज का है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि जो पीएससी शेयर इनमें जोखिम ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए बालांको ने कहा है कि पीएससी सेक्टर में सबसे अधिक गिरावट का जोखिम है, उन्होंने विशेष रूप से कोल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे 2 पीएससी स्टॉक को लेकर संभावना दी कि इनमें करेक्शन आ सकता है। अब यहाँ पे पूरे पीएससी शेयरों में आप देखोगे देखिए टाइम तो भाई पूरा माहौल ही बदल चुका है। आज के एक साल पहले कैसा परफॉर्म था, आज के एक साल तो छोड़ो, आज के यहाँ पे कम से कम 10 से 8-9 महीने पहले देख लो मल्टीबैगर हुआ करते थे बट जिस प्रकार बजट के बाद का माहौल बदला है भाई, पीएससी जिसने खरीदा है उसने पता नहीं यहाँ पे जो लोग पहले लोगों ने पैसा कमाया तो पैसा कमा के इन लोगों को टॉप पे पकड़ा है, अब जिन लोगों ने हाल में खरीदा वो इन लोगों का प्रॉफिट का भुगतान ये लोग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी के टाइम कि सभी का यहाँ पे पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है इन स्टॉक के ऊपर। हालांकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके एनएचपीसी की तो कंपनी के फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे हैं कि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है एंड गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट अच्छा खासा सपोर्ट करे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, बट फिर भी जब मार्केट गिरता है तो भाई लोगों का व्यू तो यही है कि मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, क्योंकि सेलिंग इसमें भी देखने को मिलेगी, देखने को मिल भी रही है। अब